अल्लाह कहाँ पर है? सबसे पहली बात, अल्लाह कुरान की सूरह तहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान यानी अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है। ठीक है, अब दूसरी आयत सुनिए, कुरान की सूरह काफ सूरह नंबर 50 की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाता है, वलकद खलकनल इंसाना व नअलमु मा तुसवीसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और बेशक हम ही ने इंसान को पैदा किया और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उसको जानते हैं और हम तो उसकी शहरग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। अब तीसरी आयत सुनिए, कुरान की सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाता है, लैसा का मिसली शैउन व हुवा समीउल बसीर, कोई चीज उसकी मिसल नहीं यानी उसके जैसा कोई नहीं और वह हर चीज को सुनता और देखता है। अब इन तीनों आयतों का मफहम यह है कि अल्लाह पाक अपने अर्श पर है और अपने अर्श पर होते हुए भी वो हम सबके साथ है, हमारे शहरग से भी ज्यादा हमारे करीब है, और अल्लाह इस ऐब से पाक है कि एक जगह होते हुए सबके साथ ना हो सके